नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एग्जाम गुरु अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 8 मार्च 2018 के करंट अफेयर्स पे। तो आइए देखते हैं आज 8 मार्च को कौन कौन सी ऐसी नेशनल और इंटरनेशनल हेडलाइंस हैं न्यूज़पेपर में जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और हमारे करंट अफेयर का पार्ट हैं। इस चैनल से डेली करंट अफेयर्स और जीएस का ऑटोमेटिक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पर प्रेस करना मत भूलिए, और वीडियो को देखने वाले इसको लाइक करके इसके लिंक को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दिए ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख के इस करेंट अफेयर सेशन से लाभान्वित हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का करेंट अफेयर सेशन। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 8 मार्च को। तो आपको याद रखना है कि 8 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और ये कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं बचा भारत में जिसमें पूछा ना गया हो। तो आपको याद रखना है कि 8 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और इस यूट्यूब चैनल पे जितनी भी महिलाएं हैं उन सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए सहमति से यौन संबंध बनाने की आयु 15 वर्ष करने की घोषणा की है? तो ये देश है फ्रांस। तो आपको याद रखना कि फ्रांस ने लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए सहमति से यौन संबंध बनाने की आयु 15 वर्ष करने की घोषणा की है। अब बात करते हैं फ्रांस की। देखिए, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, और फ्रांस की करेंसी है यूरो और सीएफपी फ्रैंक। तो आपको फ्रांस के बारे में इतनी चीज़ें याद रखनी है, लेकिन सबसे पहले याद रखना है कि फ्रांस ने लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए सहमति से यौन संबंध बनाने की आयु 15 वर्ष करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 5 मार्च 2018 से अगले 10 दिनों के लिए आपातकाल लागू किया गया? तो ये देश है श्रीलंका, और श्रीलंका में ये आपातकाल लगाया गया है श्रीलंका के कैंडी शहर में कुछ दिनों पहले हुए बौद्ध समुदाय और मुस्लिम समुदाय के बीच हुए सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए। अब बात करते हैं श्रीलंका की। देखिए, श्रीलंका जो है ये एक द्वीपीय देश है जो कि ये हमारा भारत है, और इसके दक्षिण पूर्व में स्थित है, और श्रीलंका की दो राजधानियां हैं, एक आर्थिक राजधानी है और एक प्रशासनिक राजधानी है। तो देखिए, कोलंबो जो है ये श्रीलंका की आर्थिक राजधानी है, और श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी है श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में अगर आपसे कभी भी पूछे कि श्रीलंका की राजधानी क्या है तो आप कोलंबो पे ही ट्रिक करेंगे, और श्रीलंका की जो करेंसी है यानी कि मुद्रा है ये है श्रीलंकन रूपी। तो आपको श्रीलंका के बारे में इतनी चीज़ें याद रखनी है, लेकिन सबसे पहले याद रखना है कि हाल ही में श्रीलंका में 5 मार्च 2018 से 10 दिनों के लिए आपातकाल लगाया गया है, और ये लगाया गया है श्रीलंका के कैंडी शहर में कुछ दिनों पहले हुए बौद्ध समुदाय और मुस्लिम समुदाय के बीच हुए सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए, ताकि ये पूरे देश में ना फैल सके। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को पहली मुंबई T20 लीग का कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो ये व्यक्ति है सुनील गावस्कर। तो आपको याद रखना है कि सुनील गावस्कर को पहली मुंबई T20 लीग का कमिश्नर नियुक्त किया गया है, और इस लीग में 6 टीमें हिस्सा लेंगी, और इसके सभी मैच जो हैं ये 11 मार्च से 21 मार्च तक वानखेड़े स्टेडियम में खेले जाएंगे। अगला प्रश्न है, कोटक इकोनॉमिक रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट के अनुसार अगले वित्त वर्ष 2018-19 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो लगाया है 7.1% का, ठीक है। तो आपको याद रखना कि कोटक इकोनॉमिक रिसर्च ने अनुमान लगाया है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है ये 7.1% की दर से वृद्धि करेगी वर्ष 2018-19 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि NSDC ने कौशल भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए किस गैर लाभकारी संगठन यानी कि NGO के साथ समझौता किया है? तो इस NGO का नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने कौशल भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजमार्गों पर वहां चलने वाले व्यक्ति की स्थिति, टोल दर, प्रतीक्षा अवधि का पता लगाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इस ऐप का नाम रखना है, इस ऐप का नाम है सुखद यात्रा ऐप, और ये सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजमार्गों पर वहां चलने वाले व्यक्ति की स्थिति, टोल दर, प्रतीक्षा अवधि का पता लगाने के लिए सुखद यात्रा ऐप को लॉन्च किया है।
और इस ऐप की खास बात यह है कि यात्री जो है इस ऐप के माध्यम से सड़क के गड्ढे, दुर्घटना आदि के बारे में शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। और एक और मुख्य बात है कि राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए टोल फ्री इमरजेंसी नंबर 1033 भी लॉन्च किया गया है इसके साथ ही। तो देखिए, आपको जो है इस ऐप का नाम याद रखना है, इस ऐप का नाम है सुखद यात्रा ऐप, और इस टोल फ्री नंबर को याद रखना है क्योंकि यही दोनों एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा देश चालू वित्त वर्ष में सऊदी अरब को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो ये देश है इराक। तो आपको याद रखना कि इराक जो है ये सऊदी अरब को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता बन गया है। और देखिए, चालू वित्त वर्ष में इराक ने 38.9 मिलियन टन तेल की आपूर्ति की है, जो कि देश के तेल की ज़रूरतों से 20% अधिक थी। और देखिए, जो यूपीएससी का आईएएस का एग्ज़ाम होता है उसमें इस टाइप के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि भारत जो है कितने प्रतिशत तेल विदेशों से आयात करता है, यानी कि जो भारत की ज़रूरत है तेल की उसमें जो है कितने प्रतिशत ज़रूरतें जो है वो विदेशों से आयात करके पूरा करता है। तो भारत जो है वो अपने तेल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 80% जो है आयात पर निर्भर होता है, यानी कि विदेशी तेलों पर निर्भर होता है, और 20% तेल जो है ये भारत में खुद उत्पादित होते हैं। अब बात करते हैं इराक की। देखिए, इराक की कैपिटल है बगदाद और इराक की करेंसी है इराकी दिनार। तो आपको जो है इराक की कैपिटल और करेंसी याद रखनी है, लेकिन सबसे पहले याद रखना है कि चालू वित्त वर्ष में सऊदी अरब को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता बन गया है इराक। देखिए, कल मैंने आप लोगों से मदद की अपील की थी, लेकिन केवल और केवल एक व्यक्ति ने ही मेरी मदद की, बाकी सारे लोग पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। वैसे डिमांड करने वालों की तो इस चैनल पे भरमार पड़ी हुई है। देखिए, कोई कहता है कि मुझे पीडीएफ चाहिए, मैं वीडियो देखता हूँ तो मेरा टाइम ख़राब होता है, मुझे अपना टाइम बचाना है, मुझे पीडीएफ चाहिए। तो मैंने कहा चलो भाई किसी का भला हो जाए, मैंने पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया। और उसके बाद एक और डिमांड आ गई कि सर वीडियो को जो है 10 मिनट से बढ़ाकर उसको आधे घंटे का या फिर 1 घंटे का कर दीजिए। यार ये बताइए आप लोग कि मुझे न्यूज़पेपर में 10 से 11 या फिर जितने न्यूज़ मिलते हैं मैं उसको कवर कर लेता हूँ, ठीक है, और वीडियो जो है उतने ही मिनट का बनता है जितने न्यूज़ होते हैं और उसका कंटेंट होता है। अब ये बताइए, मैं उसमें आपको जो है कौन सी कहानी सुनाऊँ कि वो वीडियो जो है आधे घंटे और 1 घंटे का हो जाए। मतलब डिमांड करने में आप लोग कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। उसके बाद कुछ लोगों की डिमांड आई कि सर मुझे मंथली करेंट अफेयर चाहिए, तो मैंने मंथली करेंट अफेयर भी बना दिया और उसको बना के अपलोड भी कर दिया। फिर उसके बाद एक और नई डिमांड पैदा हो गई कि सर इसका भी पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए। अब ये बताइए, मैं उसको अरेंज करूँ, 3 दिनों तक जो है उस पर मेहनत करूँ, देखिए टाइपिंग करने में बहुत टाइम लगता है, टाइप करने के बाद उसको जो है अरेंज करके उसको जो है पीडीएफ में कन्वर्ट करूँ, और कन्वर्ट करने के बाद जो है मैं उनकी जेब में जो है पीडीएफ पहुँचा दूँ, तब वो जाके उसको पढ़ेंगे। मतलब उनको केवल अपनी चिंता है, ठीक है, मेरी चिंता नहीं है कि मैं अपना जो है 2 से 3 दिन जो है बर्बाद करके पीडीएफ बनाता हूँ ताकि आप लोगों का भला हो सके। मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बस उनको जो है अपना काम होना चाहिए, बाकी मतलब अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो देखिए, इसमें आप लोगों की गलती नहीं है, हमारा भारत देश जो है ये ऐसे ही चल रहा है। अगर कोई नेता आता है कहता है मैं आपको 15 लाख रुपए दूंगा, मेरी सरकार बनवा दो, मुझे वोट दो, तो आप जो है आंख मूंद के उसको वोट दे देते हैं। अगर कोई नेता आता है कहता है मैं आपको जो है फ्री में लैपटॉप दूंगा, ठीक है, तो आप जो है बस फ्री में लैपटॉप ये सुन के जो है उसको वोट दे आते हैं। लेकिन अगर आपको कोई फ्री में एजुकेशनल मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है तो उसको सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो आपका भला कर रहा है, ठीक है। बाकी उन नेताओं पे आपको ज़्यादा भरोसा होता है जो आपको लूटना चाहते हैं, जो आपको बेवकूफ़ बना के आपका इस्तेमाल करते हैं, बाकी जो आपके हित का काम कर रहा है उसकी बातें नहीं सुनेंगे आप, क्योंकि वो जो है आपके भले की बात कर रहा है। देखिए, इस चैनल पे 11,000 से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, जिनमें से कम 1500 से 2000 लोग डेली जो है करेंट अफेयर्स का वीडियो देखते हैं और फ्री में उसका पीडीएफ भी डाउनलोड करते हैं। अगर उनसे मैंने थोड़ी सी मदद की अपील कर दी, क्योंकि मैं देखिए जो भी करता हूँ उन्हीं के लिए करता हूँ, अगर वो 100-100 रुपये भी करके कलेक्ट करके जो है कम से कम 50-60 लोग जो है अगर डोनेट कर देते हैं तो कम से कम 4-5 हज़ार रुपये हो जाते हैं, और उससे क्या होता है कि आपके जो है इंटरनेट का खर्चा और जितना भी मैं खर्च करता हूँ इस वीडियो को बनाने में वो सब जो है निकल जाता। आप लोग बस जो है केवल और केवल एडवाइस देने में माहिर हो और दूसरों पर ब्लेम करने में माहिर हो, बस यही होगा कि अरे यार मोदी ने अकाउंट में 15 लाख रुपए डालने के लिए कहे थे अभी तक नहीं डाले। मतलब मेहनत भी नहीं करना है और 15 लाख रुपए भी चाहिए, ठीक है, यानी कि सारे मटेरियल आपको जो है फ्री में चाहिए और कुछ कॉपरेट भी नहीं करना है मेरे साथ में। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग भी इसी देश के निवासी हैं तो थोड़ी बहुत क्वालिटी आपके अंदर भी रहेगी। तो आइए इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं और भी कौन कौन से करेंट अफेयर हैं। देखिए, किसी को अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ।
अगला प्रश्न है, फोर्ब्स पत्रिका सूची 2018 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो ये व्यक्ति हैं जेफ बेजोस, जो कि अमेजन के संस्थापक हैं और इनकी टोटल संपत्ति है 110 अरब डॉलर। तो आपको याद रखना कि फोर्ब्स पत्रिका की सूची 2018 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं जेफ बेजोस, जो कि अमेजन के संस्थापक हैं और इनकी टोटल संपत्ति है 110 अरब डॉलर। और फोर्ब्स पत्रिका की दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की इस सूची में दूसरे स्थान पर बिल गेट्स हैं और इनकी टोटल संपत्ति है 90 अरब डॉलर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। तो देखिए, बिल गेट्स के बारे में एक चीज़ और पूछा था कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है, तो इसको याद रखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स हैं। और देखिए, इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं वॉरेन बफेट और इनकी टोटल संपत्ति है 84 अरब डॉलर। और हमारे भारत के मुकेश अंबानी जो हैं ये 19वें स्थान पर हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की फोर्ब्स पत्रिका की सूची में और इनकी टोटल संपत्ति है 40.1 अरब डॉलर। तो देखिए, मोस्टली एग्जाम के लिए दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, पहला जेफ बेजोस का नाम और दूसरा मुकेश अंबानी का नाम, ठीक है? क्योंकि मुकेश अंबानी जो हैं ये भारत से बिलोंग करते हैं और इनकी रैंकिंग है 19वीं और इनकी टोटल संपत्ति है 40.1 अरब डॉलर। अब बात करते हैं फोर्ब्स की। देखिए, फोर्ब्स जो है ये एक अमेरिकी पत्रिका है जिसके फाउंडर हैं बीसी फोर्ब्स और इसकी स्थापना 1917 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। तो आप जो है फोर्ब्स के बारे में इतनी चीज़ें याद रखिएगा, लेकिन सबसे पहले आपको याद रखना कि फोर्ब्स पत्रिका की सूची 2018 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं जेफ बेजोस और भारत के मुकेश अंबानी इस लिस्ट में 19वें स्थान पर हैं। उनकी टोटल संपत्ति है 40.1 अरब डॉलर। तो आज का करंट अफेयर सेशन ही समाप्त होता है। कल मैं फिर आपके लिए डेली करंट अफेयर सेशन लेके आऊँगा। आपका काम है वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर देना। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू।